हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुषमास किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई मिठाई रेसिपी और वो है आटे का हलवा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और आप इसे आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप चीनी, 15 से 16 इलायची, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, 1 कप घी और 2 कप पानी। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को 1 चम्मच घी में 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करके इसे साइड में रख देंगे और बाद में हम इसे बारीकी से काट कर हलवा में डाल देंगे। अब हम एक कढ़ाई में घी और आटा डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये आटे का रंग लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इस आटे के मिश्रण को धीमी आंच पे लगातार चलाते रहना है वरना ये जल भी सकता है। अब आप देख सकते हैं कि आटे का रंग हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे इतना ही पकाएंगे वरना ये जल भी सकता है। अब हम गैस फ्लेम को बंद करेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए शक्कर 1 कप और पानी 2 कप। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई इलायची का पाउडर। हमें इस चाशनी को तब तक पकाना है जब तक सारा चीनी अच्छे से घुल ना जाए। यहाँ पर कोई 1 स्ट्रिंग या 2 स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हैं अच्छे से उबल रहा है। अब ये लगभग बन चुका है। अब गैस फ्लेम को हम बंद करेंगे। अब हम चाशनी को आटे के मिक्सर में डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें पकाना है मीडियम आंच पे और इसे धीरे धीरे लगातार चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसमें और थोड़ा सा घी मिला लेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं मिश्रण गाढ़ा हो चुका है। अब हम आंच को धीमी करेंगे और इस मिश्रण को धीरे धीरे चलाते हुए इसे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हो कि हलवा का मिक्सर धीरे धीरे पैन के साइड को छोड़ रहा है। यह अच्छा गाढ़ा हो चुका है और पक भी चुका है। अब हम गैस फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो देखिए हमारा स्वादिष्ट आटे का हलवा बनके तैयार है। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और इस रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।